यहाँ मेरा नंबर प्लेट आप लगते हुए देख रहे हैं। दरअसल ये नीलम चौधरी जी इस नंबर प्लेट को, नीलम जी ये शौक कहाँ से आया? हम देख सकते हैं कि आप जो है वो नेम प्लेट जो है वो हर घर में, नेम प्लेट माफ कीजिएगा, नंबर प्लेट आप हर घर में लगवा रही है, ये शौक कहाँ से आया और यही चीज़ आपने क्यों चुना फिलहाल? देखिए मैम, मैं अपने क्षेत्र में ये कोशिश करती हूँ कि डिमांड क्या है, क्या चीज़ की कमी है हमारे क्षेत्र में, उस पर हम पहल करते हैं और काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम देखे, पूरा हमारा क्षेत्र अंधकार में था, तो 850 लाइट हम अपने क्षेत्र में एक एक पोल पे खड़ा होकर हम लगवाए, मतलब 3 महीना हमें लगा एक एक पोल पे लाइट लगाने का। और नंबर प्लेट अब तक कितना लगा आपने? अभी नंबर प्लेट हम हम पहुंच गए हैं, एक नंबर से शुरू किए हैं यहाँ तक पहुँचे। तो ये सब फाइनेंस कहाँ से होता है आपका? फाइनेंस मैम देखिए, जैसे हमारे क्षेत्र में बुजुर्ग लोग बहुत हैं, ये लोग हमेशा डिमांड करते थे कि मैडम कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे घर कोई आते हैं तो घर भूल जाते हैं, पहले वाला हमारा इसी से रहा नहीं। तो इस पर एक मन में आया कि क्यों नहीं हम हर घर में एक नंबर प्लेट लगवा दें, ताकि कोई भी अनजान आदमी आता है तो उन्हें सहूलियत हो, कि मतलब भटके नहीं, समय का बर्बादी ना हो। तो ये हम शुरू किए अपने फंड से। लेकिन आपने कभी ऐसे किसी को भटकते हुए देखा है? आपको लगा कि बहुत तो हम उन्हीं लोग से हम सीखे, हमारे मन में भी जो बातें आई उन्हीं को लेके आई, कि बहुत जैसे डिलीवरी बॉय हैं वो घर ढूंढने के लिए किसका सामान कहाँ पहुँचा देते थे, इतना चक्कर धुआं में काटते थे तो बड़ा ख़राब लगता था। तो फिर हम सोचे कि क्यों नहीं हम हर घर में एक पार्सल नंबर प्लेट लगा दें, जिसमें सबको सहूलियत, आने वाले को भी, डिलीवरी बॉय को भी। और ऐसे हमारा एक ऐसी सी टाउनशिप का एक पहचान खोते जा रहा था, उसे जीवित करने के लिए हमने ये पहचान। कितने सालों से आप ये सोशल वर्क कर रही हैं? अब मेरा मैम 10 साल से ऊपर हो गया हमारा, बहुत क्षेत्रों में हमने काम किया था। अभी बहुत ऐसे योजनाएं हैं जो हम ला रहे हैं महिलाओं से। अच्छा, यहाँ के बाद तो टर्न कर गया, घर बैठे महिलाएं कुछ। तो ये महिलाओं के लिए करने के लिए या ये करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मुझे? ऐसा शख्स थे जो पूरे देश के लिए कर रहे हैं, तो हम अपने क्षेत्र के लिए क्यों नहीं कर सकते? तो उनको देख के थोड़ा प्रेरणा हमें भी मिला कि जो 24 घंटा काम करता है हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर पीछे चला जाएगा, अब यहाँ भी लगा लेते हैं। 2 बजे रात में भी फोन करता है, हम तुरंत जाते हैं एम्बुलेंस लेके उनको जाके एडमिट करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ नहीं रहते, वो खुद अकेले रहते हैं, तो उनको उनको सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो नीलम चौधरी है। Correct. तो फोन करते हैं, तुरंत उनको ले जाके हम एडमिट कराते हैं, फिर उनके बच्चों से कंसल्ट करते हैं, जब तक वो ठीक होकर घर नहीं पहुंचा देते हैं तब तक हम लगे रहते हैं। तो अच्छा लगता है सेवा देना। तो हम बेसिकली आप रहने वाली कहाँ? हम रांची, हमारा बर्थ प्लेस रांची ही है, हमारा जन्म और कर्म क्षेत्र एचईसी ही है, इसलिए थोड़ा लगाव हम। तो क्या मतलब फादर या कोई काम करते थे एचईसी में? एचईसी में हमारे फादर थे, फादर इन लॉ भी एचईसी में इंजीनियर थे, अब रिटायर हो गए और वो लोग रहे भी नहीं, और उनके जो विचार था, जो विचारधारा उन लोग का भी था, उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्षेत्र एचईसी एक। अपने फादर को देखा है सोशल वर्क या कुछ ऐसा अच्छा काम करते हो जहाँ पे बचपन से लगाओ आपको? बहुत बहुत, जैसे कुछ एक बता सकते हैं इंसिडेंट? हमारे जैसे फादर थे, तो अगर जैसे पेपर वाले आते थे पेपर देने या दूध घर में पहुँचाने आते थे, तो उनको बैठा के चाय नाश्ता करा के ही भेजते थे, मतलब उनका वो ऐसा आदत था ना कि रास्ता में भी अगर चलते थे तो देखते थे कि क्या कमियां किसमें हैं, आके हम लोग को सुनाते थे। तो हम लोग कोशिश करते थे उस समय से कि हम लोग क्या करें इसके लिए, ऐसे मतलब किसी के चेहरे पे मुस्कान दे। तो कोशिश हम लोग शुरू से इस फील्ड में रहे हैं और अच्छा लगता है करना, कि हमारा सबसे बड़ा पूंजी यही है जो हम कर्म कर रहे हैं। आपके घर में भी नंबर प्लेट लगा इनके द्वारा? हाँ जी, हाँ जी लगा। तो कैसा लग रहा है, पहले से क्यों नहीं लगवाया? पहले से ये तो सही बात है, ये देखने में अब लग रहा है कि मैडम, जब से मैं जाना हूँ मैडम को, तो कुछ ना कुछ ये काम करती ही रहती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं अगर इनका तारीफ कर रहा हूँ तो इनके काम के वजह से तारीफ कर रहा हूँ, बाकी कुछ वैसा कोई मेरा कनेक्शन भी नहीं रहा था इनसे। और ये सब सही बात है, इसको कहा जाता है कि लोग तो नॉर्मल नाली रोड सब चीज़ करते हैं, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ये हट कर कुछ काम कर रही हैं और यही चीज़ चाहिए जो आज के डेट में लोग ध्यान नहीं देते हैं। मतलब हम लोग कुछ वैसा चीज एक्सपेक्ट करते हैं जो कोई नहीं, मतलब आप लोगों का ध्यान नहीं किया पर इनका चला गया। हाँ, इनका चला गया ये, मतलब सही में, मतलब ये एक थम्स अप वाला काम किया इन्होंने। और पिछले बार भी जब इन्होंने काम किया था, ये फुल केस में मार्केट में तब आई जब इन्होंने पूरे वार्ड में लाइट लगाया, ऐसा लाइट लगाया कि रात में जब हम लोग घुसते थे तो लगता था एरिया में आग लग गया। मैं अपना मतलब मैम दिल्ली कंटिन्यू में रहता हूँ,